यो आकाशवाणी जम्मू है। मोहम्मद आसफ लोधी ते मोहम्मद अमीन अंजम ते खबर सुनो। फौज जनरल बिपिन रावत ने पहला CDS को चार्ज संभाल लियो है ते क्यों है जे मुल्क की तरह फौज एक टीम की तरह कम करेंगी। फौज का सरबराह जनरल मनोज मोकन नारवाने ने क्यों है कि फौज किसी भी सलामती ललकार को मुकाबलों करने की सलाहियत रख है। नौशहरा सेक्टर में घेराबंदी ते तलाशी कार्रवाई के दौरान फौज का दो जवान शहीद हो गया है ते लेफ्टिनेंट गवर्नर जी सी मुर्मू ने खेत टांचा ने जमीनी सतह पर मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दितो है। खबरों की तफसील संग पहला मोहम्मद अमीन अंजम। जनरल बिपिन रावत ने आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS को कामकाज संभाली हुआ है। मुल्क का पहला CDS को चार संभालन के बाद जनरल बिपिन रावत ने कहा है जे तमाम तरह खिदमत एक टीम के तौर काम करेंगी। उन्होंने कहा है जिस तरह जे CDS ना काम सौंपियो गयो है त्रिया फौजा विचकार इतिहाद बधाणो उनकी तरजीहत रहेगी। उन्होंने कहा है जे CDS त्रिया फौजा वास्ते गैर जानबदार रहेगो। CDS ने कहा है जे फौजी दस्ता सियासत ने दूर रहें ते मौजूदा हुकूमत के हदायात के मुताबिक काम करें। जनरल रावत ने कहा है जे वे एक कोशिश करेगा जे त्रिया खिदमात में वसाइल को मुनासिब इस्तेमाल वे। इस मौके पर फौज का सरबराह मनोज मुकुंद नारवाने हवाई फौज का सरबराह एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ते बहरी फौज का सरबराह करमबीर सिंह ते दूजा सीनियर अफसर भी मौजूद था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS को चार्ज संभालन वास्ते जनरल बिपिन रावत ने मुबारकबाद पेश की है। नाले भारत ना पहलो CDS मिलन पर खुशी गुजार कियो। अपनी कई ट्वीट्स में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है जे यो इदारो मारा दस्ताना जदीद बनाने वास्ते जबरदस्त जिम्मेदारी रखे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है जे फौजी अमूर बारे महकमो तैयार करनो ते CDS की आसामी की इदाराकारी एक अहम ते वसी इसला है जिड़ी मुल्क ना ललकारा को सामनो करन में मदद करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने उन अफराद ना खराज अकीदत भी पेश की जिन्होंने मुल्क की खिदमत करता वा अपनी जान की कुर्बानी दे दी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा है जे पहला CDS की तकरीरी जबरदस्त भारत वास्ते तारीखी है ते ये तमाम त्रिया फौजा का जवाना की बेहतरी यकीनी बनाने की खातर नरेंद्र मोदी हुकूमत की कोशिश है। अपने कई ट्वीट में जनाब शाह ने कहा है जे वजीर आजम ने एक देरीना मांग पूरी कर दी है। वजीर दाखिला ने भारत को पहलो CDS बनने वास्ते जनरल बिपिन रावत ने मुबारकबाद दी। फौज का नवा सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नारवाने ने आज कहा है जे भारत ना चीन ना लगती सरहदा दर मतों ध्यान देने की लड़ है। उन्होंने कहा जे दस्तों किसी भी ललकार को सामनो करने वास्ते बासलाइयत है। फौजी सरबराह के तौर पहलो का गार्ड ऑफ आनर वसूल करने के बाद नवी दिल्ली में अखबारी नुमाइंदा नाल गल करता वा उन्होंने कहा जे फौज मुल्क वास्ते किसी भी खतरा को मुकाबलो करने वास्ते बासलाइयत है। चीन नाल सरहदी तनाजा बारे फौजी सरबराह ने कहा जे सरहद वर मुसलसल अमन हल वास्ते रस्तो तैयार करे। जनरल नरवाने ने कहा जे कार्रवाई वास्ते तैयारी ते जदीदकारी उनकी क्यादत की सरे फहरिस्त तरजीहत वेंगी। सरहदी जिला राजौरी का नौशहरा सेक्टर में तलाशी कार्रवाई के दौरान फौज का दो जवान शहीद हो गया है। इस सिलसिले में एक दिफाई तर्जमान ने ऑल इंडिया रेडियो जम्मू का न्यूज़ रूम नाल गल करता हुआ दस्सिया है जे मिलिटेंटा बारे तलाशी कार्रवाई जारी है ते मजीद तफसील कोई अजू उड़ीक है। वादी कश्मीर में अज ते BSNL पोस्ट पेड मोबाइल SMS यानी सीनियर टोरन बारे खिदमत बहाल कर दी गई है। इस सिलसिले में बड़ी तादाद में लोगों ने इंतजामिया की तरफों चाया गया इस कदम की मुच तारीफ की। उआ इंतजामिया ने वादी का तमाम हस्पतालों में भी अज ते ब्रॉडबैंड खिदमत शुरू कर दी है। भारत और पाकिस्तान ने आज अपनी अपनी जोहरी तनसीबात की एक फहरिस्त को तबादलों की हो। ऐसो एक दो तरफा मुहिदा के तहत कियो गयो है जो जी इन्हों ना एक दूजा की जोहरी सहूलतों पर हमलों करने मना करे। दोहां मुल्कों ने फहरिस्त को यो तबादलों एक ही वक्त में नवी दिल्ली ते इस्लामाबाद में सफारती जरिए नाल कियो। काबिले जिक्र है जे मुहिदा के तहत यो तबादलों हर बरह 1 जनवरी ना कियो जाए ते इस तरह 1 जनवरी 1992 ते हुण तोड़ी यो 29वां मुसलसल तबादलों है। यो आकाशवाणी जम्मू है। ये है मेरे बच्चे की आवाज जब उसका पेट भरा हो। ये है मेरे आंख के तारे की खेलते हुए आवाज। ये है मेरे बच्चे की आवाज जब उसको सांस में तकलीफ है। और अब जानती हूँ अगर खांसी जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज तो बिल्कुल नहीं, तुरंत इसको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाऊंगी।
निमोनिया नहीं तो बचपन सही। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर। मजीद खबरां नाल मोहम्मद आसफ लोधी। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू कश्मीर में खेड टांचा वाधो देने की जरूरत पर जोर दिया है ताकि खेड सरगर्मियों जमीनी सतह पर तरक्की दी जा सके। जनाब मुर्मू ने यह हदायत कल जम्मू में नौजवान खिदमत ते खेडों बारे महकमा अफसरों की बुलाई गई एक मीटिंग की सदारत के दौरान दी है। इस सिलसिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुतलका अहदेदारों को हदायत की है जे वे तमाम पंचायतों की एक फहरिस्त तैयार करें ताकि पंचायत सतह पर खेडों न वाधो देने बारे रकूमत मुहैया कराई जा सकें। जनाब मुर्मू ने तमाम जिलाई कमिश्नरों ने यह भी हदायत की है जे ऐसी पंचायतों की निशानदेही की जाए जिनमें अजू तोड़ी खेड मैदान की सहूलियत दस्तियाब नहीं है ताजे उन पंचायतों में भी खेड मैदान तैमीर किए जा सकें। भारतीय खलाई तहकीकी तंजीम यानी इसरो का चेयरमैन डॉक्टर के सैवान ने ऐलान किया है कि भारतीय हवाई फौज ने भारत का पहला मिशन गंगयान वास्ते चार नफरों की शनाख्त की है। आज बेंगलुरु में अखबारी नुमाइंदा संग गल करता में उन्होंने कहा जे भारतीय हवाई फौज का इन चार नफरों ने जनवरी का तीजा हफ्ता ते रूस में हलाई साइंसदान तरबियत दी जाएगी। डॉक्टर सैवान ने यह भी कहा है कि चंद्रयान मिशन त्रै ने हुकूमत की तरफों पहला ही मंजूरी दे दी गई है। इसरो का चेयरमैन ने यह भी जानकारी दी है कि हलाई गड्डी चलान वास्ते एक दूजो अड्डो तमिलनाडु में कायम की जाएगा जिस वास्ते 2300 एकड़ जमीन हासिल की जाएगी और इस अड्डा ते शुरुआती तौर पर लोकी हलाई गड्डी चलाई जाएगी। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ नवा मरकजी जेर इंसाम इलाका जम्मू कश्मीर ते लद्दाख की तमाम जिलाई अदालत में बक बक जुमरों की कोई 33 खाली असामियों पूर करन वास्ते जड़ी नोटिफिकेशन हाल ही में जारी की गई थी ना फिलहाल वापस ले लियो गयो है। वाजह है जी इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल की तरफ गुजश्ता 26 दिसंबर 2019 ने जारी की गई इस नोटिफिकेशन में मुलक पार तल्लक रखने वाला उम्मीदवारों को दरख्वास्त फार्म मंगया गया था जिसके बाद जम्मू कश्मीर की हिस्बे इख्तलाफ जमात ने इस फैसला के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरा शुरू कर दिया था। हिस्बे इख्तलाफ जमात की मांग है कि नौकरियों वास्ते छड़ा ईद का मकामी नौजवानों ने ही हक दितो जाना चाहिए ना कि पूरा मुल्क का जवाना ना। हिस्बे इख्तलाफ की इस मांग के बाद हाईकोर्ट की तरफों जारी नोटिफिकेशन ने फिलहाल वापस ले लियो गयो है। कौमी काबिलियती इम्तहान यानी नीट बारे दरख्वास्त फार्म भरने की आखिरी तारीख हूँ बदा गए 6 जनवरी तोड़ी कर दी है। इस सिलसिले में बेख्वाहिशमंद उम्मीदवार जेड़ा जे वैबसाइट पर पीड़ होने की वजह नाल अपना फार्म नहीं भर सके हैं उन्होंने इतला दी गई है कि वे अपना दरख्वास्त फार्म मुकर्रर वक्त के अंदर पूर कर लें। नाले ऑनलाइन दरख्वास्त फार्म में हुई गलतियां ना भी 15 जनवरी ते 31 जनवरी तोड़ी दुरुस्त की जा सके। उं कश्मीर वादी समेत ले ते करगिल जिलों का उम्मीदवार NTA की तरफों कायम नोडल मराकज में ऑफलाइन दरख्वास्त फार्म जमा करा सकें। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार ने यह भी इतला दी गई है कि वे फीस की अदायगी या किसी दूजी शिकायत का अजाला की खातर NTA की तरफों कायम किया गया मुफ्त टेलीफोन नंबर 01206895200 पर राबतो कायम कर सकें। सदर जमहूरिया नायब सदर ते वजीर आजम ने मुल्क की आवाम ने नवा साल की मुबारकबाद कही है। मुबारकबादी का अपना एक स्नेह में सदर जमहूरिया ने लोगों ने कहा है कि वे मुल्क की मजबूती खुशहाली और आपसी भाईचारा बारे दुआ करें। उं वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपना एक ट्वीट स्नेह में उम्मीद जाहिर की है कि नवो साल 103 करोड़ भारतीयों ने बाअख्तियार बनाने मारे मुझ ही फायदेमंद साल साबित वैगो। कानून बारे मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि शहरी तरमीमी कानून पूरी तरह नाल आइनी ते कानूनी है। कल तिरुवंतापुरम में मीडिया का नुमाइंदा संग गल करता में उन्होंने कहा जे कानून पास करन बारे अख्तियार सिर्फ मुल्क की पार्लियामेंट कोल वह ना के केरला या किसी दुई असेंबली कोल जो अख्तियार है कि वे इस कानून ना पास होने ते रोक सकें। वाजर है जे कल केरला असेंबली ने इस कानून न रोकन बारे एक करारदाद मंजूर की थी। रविशंकर प्रसाद ने मजीद कहा जे यो कानून मुल्क का किसी भी शहरी के खिलाफ नहीं है बल्कि यो कानून सिर्फ उस अकलीती बरादरी वास्ते बनाई गयो है जेड़ी जे पाकिस्तान बंगलादेश ते अफगानिस्तान में सताए जान ते बाद हुण भारत में आ गई है। ते आखिर में खास खास खबर एक बार फिर जनरल बिपिन रावत ने पहला CDS को चार्ज संभाल लियो है ते कहो है जे त्रै फौज एक टीम की तरह काम करेंगी। फौज का सरबा जनरल मनोज मुकुंड नरवाने ने कहा है जे फौज किसी भी सलामती ललकार को सामना करने के अहल है। नौशहरा सेक्टर में घेराबंदी ते तलाशी कार्रवाई के दौरान भारतीय फौज का दो जवान शहीद हो गया।
ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਜੀ ਸੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਹ ਪਰ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੋ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਓ। ਇਸ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਜਰੀ ਮਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਯੋ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ।